नमस्कार, मैं राकेश ठाकुर आपका हैबिट एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप जानते हैं आज का ये वीडियो पॉलिटिकल से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों। तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल हैबिट एजुकेशन पे पॉलिटी से रिलेटेड एक वीडियो पहले पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने समझाने का प्रयास किया कि संविधान को हम कैसे समझें, पॉलिटिकल को हम कैसे पढ़ें। वो पॉलिटिकल से संबंधित एक आधारभूत समझ थी, है ना। तो ये जो वीडियो है, आप जानते हैं संविधान निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है पॉलिटिकल की। तो अगर क्रमबद्ध रूप से देखें तो इससे पहले का जो टॉपिक आता है वो भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन उस टॉपिक को मैं इसके बाद आपको अपलोड करवाऊँगा, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले संविधान निर्माण को अच्छे से समझें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे एक्टों को पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, ठीक है जी। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, और ये पार्ट वन रहेगा। जो पार्ट टू आएगा वो संविधान निर्माण का ही वीडियो होगा, और इसमें मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे और हर एक बात को समझेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आप जानते हैं, देखो, संविधान निर्माण, सबसे पहले तो संविधान को समझो कि हमारा जो संविधान है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, संविधान होता क्या है। तो आपको पता है कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिस दस्तावेज के सहारे किसी भी राष्ट्र या संघ व्यवस्था का संचालन होता है, ठीक है जी। तो संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा हम किसी भी राष्ट्र का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, क्लियर। तो अगर हम इसी को लोकतांत्रिक राष्ट्र के संदर्भ में देखें, तो लोकतांत्रिक राष्ट्र के संदर्भ में अगर इस परिभाषा को देखें तो संविधान एक मूलभूत कानून है जिसका पालन करने के लिए सरकार और नागरिक दोनों क्या है, बाध्य है, ठीक है जी। ये डेफिनेशन हुई किस संदर्भ में, लोकतांत्रिक राष्ट्र के संदर्भ में, ठीक है जी। तो आप जानते हैं संविधान कितने प्रकार का होता है, तो संविधान दो प्रकार का होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि फर्स्ट जो हमारा संविधान, लिखित संविधान होता है एक, और दूसरा होता है अलिखित संविधान, ठीक है। तो आप जानते हैं जो लिखित संविधान है वो लिखा हुआ संविधान, और अलिखित संविधान जो कि परंपरा और रीति रिवाज के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं अलिखित संविधान की, तो आपको पता है इंग्लैंड और सऊदी अरब का जो संविधान है वो कैसा है, अलिखित संविधान है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर लिखित की बात करें तो आपको पता है जो लिखा हुआ संविधान उसी को हम लिखित संविधान बोलते हैं, ठीक है। और जो पहला लिखित संविधान है, अगर पहले लिखित संविधान की बात करें तो आप जानते हैं यूएसए का पहला लिखित संविधान है। तो यूएसए का सबसे पहला लिखित संविधान है जो 1789 में लिखा गया। अगर बात करें कि कहां पर लिखा गया, ये ऑस्विलाडेल्फिया नामक शहर में लिखा गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखें कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है, लिखित और निर्मित संविधान है भारत का। लिखित का मतलब कि लिखा हुआ, और निर्मित का मतलब कि निश्चित समय में लिखा हुआ या फिर बना हुआ संविधान की क्या कहलाता है, निर्मित संविधान कहलाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये जो यूएसए का संविधान है, जो सबसे पहला कैसा है, लिखित संविधान है। इस यूएसए के संविधान को सबसे पहले लिखित होने के कारण आधुनिक देशों के संविधानों के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। तो यूएसए के संविधान को आधुनिक देशों के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट हम अगर बात करें कि भारत में संविधान की सर्वप्रथम मांग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत में सबसे पहले जो संविधान की मांग है वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की, ठीक है जी। और इन्होंने ये जो मांग है स्वराज विधेयक में की थी, ठीक है, स्वराज विधेयक में इन्होंने ये मांग की थी, और आप जानते हैं इसे संविधान विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसमें इन्होंने मांग की थी उसी स्वराज को संविधान विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है ये जो मांग थी इनकी, ये ज्यों की त्यों रह गई, ठीक है।
इस मांग को ज्यादा आगे नहीं लेके गए। और आपको पता है फिर 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, 1922 में महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने कहा कि ये जो भारत का संविधान है ये भारतीय लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस दौरान यहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, जो कि 1922 में यहाँ भारत में चल रहा था। तो आप जानते हैं कि ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था जो कि 1922 में चलाया गया, और आपको इतना भी पता है कि ये एक अहिंसक आंदोलन था। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हम जो है स्वाधीनता प्राप्त करेंगे अहिंसा के मार्ग पे चल के, यानी आजादी जो हम प्राप्त करेंगे वो अहिंसा के मार्ग पे चल के करेंगे, कि इस आंदोलन में कोई हिंसा ना हो, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब ये आंदोलन, जब ये असहयोग आंदोलन अपनी बुलंदियों पर था, जब इसके परिणाम आने वाले थे, तो उसी दौरान एक घटना घटती है जिस घटना का नाम है चौरा चौरी की घटना, जो आप जानते हैं 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में घटी थी, ठीक है। आपको इतना भी पता होगा वहां पे पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाया गया था, ठीक है। और इसी चोरी चोरी की घटना के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को वापिस ले लिया, ठीक है। तो आप जानते हैं जो महात्मा गांधी जी के साथ इस आंदोलन में दो प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम आता है, एक चितरंजन दास जी और दूसरे मोतीलाल नेहरू। तो इन दोनों ने, इन दोनों का कहना था महात्मा गांधी के लिए कि भाई आप इस आंदोलन को वापिस क्यों ले रहे हैं, या फिर आपने ये आंदोलन वापिस क्यों लिया। तो महात्मा गांधी जी, आप जानते हैं कि इसमें हिंसा हुई तो महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापिस लिया। तो इन दो व्यक्तियों का कहना था, चितरंजन दास जिन्हें हम सी आर दास के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे मोतीलाल नेहरू, इनका कहना था कि जब ये आंदोलन अपनी बुलंदियों पे था, इसके परिणाम कुछ समय में आने वाले थे, तो आपको ये आंदोलन जो है वापिस नहीं लेना चाहिए था, ठीक है जी। तो इन दोनों ने क्या किया, महात्मा गांधी जी से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं जब इन्होंने महात्मा गांधी जी से दूरियां बनाना शुरू किया, तो इन्होंने एक दल का निर्माण किया जिसे हम जानते हैं स्वराज दल के नाम से, ठीक है। तो स्वराज दल की अगर बात करें हम, तो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में इसकी स्थापना होती है, और इसके अगर संस्थापक के रूप में हम देखें तो मोतीलाल नेहरू जी स्वराज दल के संस्थापक थे, और सी आर दास का नाम भी इसमें आता है, ठीक है जी। तो आपको पता है इसी स्वराज दल ने 1924 में संविधान की मांग की थी, ठीक है जी। लेकिन भारत में अगर हम भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में यहां देखें तो 1919 का अधिनियम चल रहा था, ठीक है। जब स्वराज दल ने 1924 में जब संविधान की मांग की, तो यहां भारत में उस टाइम जो संवैधानिक इतिहास का टाइम था, जो 1919 का अधिनियम चल रहा था यहां पे, तो आप जानते हैं कि इसी समय भारत की जो सचिव थे, ठीक है, इसी समय भारत के जो सचिव थे वो थे लॉर्ड बर्कन, ठीक है। ये सारी चीजें आप भारतीय संवैधानिक इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हर एक रेगुलेटिंग एक्ट और अधिनियम को मैं पढ़ाऊंगा, उसमें सारी चीजें आएंगी, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ के जो भारतीय सचिव थे उस दौरान वो थे लॉर्ड बर्कन, ठीक है। तो इन लॉर्ड बर्कन ने क्या किया कि इन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा, भारतीय लोगों के लिए एक व्यंग्य कस दिया, यानी मजाक उड़ाया कि ये जो भारतीय लोग है ना, ये असभ्य लोग है, ये संविधान की मांग तो कर रहे हैं लेकिन इनको संविधान का प्रारूप भी पता नहीं है, ये संविधान के बारे में कुछ जानते नहीं है, ठीक है। तो ये व्यंग्य जब इन्होंने भारतीय लोगों पर पार्लियामेंट में कसा, तो जो स्वराज दल और कांग्रेस के छोटे बड़े दल थे, ये सब इकट्ठा होके इन्होंने एक समिति का गठन किया 1928 में, जब लॉर्ड बर्कन हेड ने ये व्यंग्य इन पे कस दिया, तो जाहिर है कि बुरा तो लगेगा। तब जब बुरा लगा तो स्वराज दल और जो कांग्रेस के छोटे बड़े दल थे, ये सब इकट्ठा होके एक समिति का इन्होंने गठन किया, जिस समिति का नाम था, जिस कमेटी का नाम था, नेहरू कमेटी।
आप जानते हैं ये जो नेहरू कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप जानते हैं कि जो नेहरू कमेटी है इसका गठन किसने किया, स्वराज दल और कांग्रेस के छोटे बड़े दलों ने मिलके जो है इसका गठन किया। क्यों? क्योंकि लॉर्ड बर्कन ने उपहास उड़ाया था, मजाक उड़ाया था इनका पार्लियामेंट में, ठीक है जी। तो आप जानते हैं ये जो नेहरू कमेटी है इसमें 11 सर्वदलीय समिति का गठन किया, ठीक है। ये 11 सर्वदलीय समिति थी, इसमें इसका गठन किया। और आप जानते हैं ये जो 11 सर्वदलीय समिति थी इसके जो अध्यक्ष बने वो थे मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष हुए। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि ये जो नेहरू समिति है इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है ना, जो रिपोर्ट दी थी उसे भारत में नेहरू रिपोर्ट से भी पढ़ा जाता है, नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी इस समिति को जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीसीएस और यूपीएससी के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पूछा गया था प्रीलिम्स में कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है इसका संबंध किससे है। तो आप जानते हैं इसका संबंध संविधान के प्रारूप या संविधान के मसौदे से है, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो ये एक सर्वदलीय समिति थी, ठीक है, जिस समिति ने क्या किया था, 90 दिन में काम चलाओ संविधान तैयार किया था, ठीक है। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो आपको बता दिया मैंने मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष हुए, ठीक है। अगर हम सचिव की बात करें, जो सचिव कौन थे इसके समिति के, तो जवाहरलाल नेहरू जी इसके सचिव हुए। अगर हम बात करें इस नेहरू समिति के सदस्यों की, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो नेहरू समिति के अगर हम सदस्यों की बात करें, इनमें नाम आता है जो सुभाष चंद्र बोस जी का, दूसरा नाम आता है तेज बहादुर जी का, और तीसरा नाम आता है अली इमाम का, और चौथा नाम आता है शोएब कुरैशी का, और पांचवा नाम आता है एम आर जैकर का, और छठा नाम आता है सरदार मंगल सिंह जी का, और सातवां नाम आता है एन एम जोशी का, और आठवां नाम आता है जी आर प्रधान का। तो ये कुछ प्रमुख सदस्य थे, ठीक है जी, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। अगर हम नेहरू समिति की सिफारिशों की बात करें तो आप जानते हैं कि इनकी जो प्रमुख सिफारिशें थी जिसमें नाम आता है फर्स्ट डोमिनियन स्टेट, पहली सिफारिश। दूसरी सिफारिश थी इनकी अभिव्यक्ति की, और थर्ड थी स्वतंत्रता की, और चौथी थी कि स्त्री और पुरुष में समानता होनी चाहिए, और पांचवी जो इनकी सिफारिश थी वो थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में अगर हम देखें कि डोमिनियन स्टेट, ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें अगर हम देखें, जो डोमिनियन स्टेट जो है अपनी क्या थी, पहली प्राथमिकता रहेगी, है ना। और जो दूसरी प्राथमिकता थी इसी रिपोर्ट में बताया था कि दूसरी जो प्राथमिकता होगी हमारी पूर्ण स्वराज की प्राथमिकता होगी। लेकिन ध्यान रहे, आप जानते हैं रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब तिरंगा फहराया था तो उन्होंने क्या कहा कि जो पूर्ण स्वराज जो हमारी प्राथमिक मांग रही, और यही कारण हुआ था कि आगे चल के हमने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया था। आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था किसके द्वारा, भारत में एक वायसराय हुए थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो इसी में हम आगे देखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था तो उन्होंने क्या बोला था कि हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, हम पूर्ण स्वराज की मांग हमारी प्राथमिकता है। और इसी का परिणाम निकला था कि आगे जाके हमने किसका विरोध किया था, अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया, ठीक है। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है। तो अब बात आती है 1934 की। तो 1934 में एक नाम आता है M.N. रॉय। तो M.N. रॉय जी ये कम्युनिस्ट नेता थे, एक मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है, और इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है।
अगर हम दुनिया में बात करें कि वर्ल्ड में सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग थी वो किसने की थी, तो आप जानते हैं कि सर हेनरी मैन ने संविधान सभा की विश्व में सबसे पहले क्या की थी, मांग की। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि अंग्रेजों ने एक भी बार भारतीय लोगों की मांग को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, लेकिन भारतीय लोगों ने अपनी मांग को क्या रखा, जारी रखा, मांग करते रहे। ठीक है जी, और अब बात आती है दूसरे विश्व युद्ध की। ठीक है जी, तो दूसरे विश्व युद्ध में आप जानते हैं जो अंग्रेज थे ये प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे। आपको पता है 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो अंग्रेज इसमें क्या लड़ रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे। ठीक है जी, और वो चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं, है ना, जो भारत की जनता है, भारतीय लोग हैं, ये हमारी तरफ से युद्ध करें। और भारतीय ऐसा क्यों करेंगे, आप तो जानते हैं कि भारतीय लोग जो थे अंग्रेजों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि भारतीय लोगों की एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। ठीक है जी, तो यही कारण था भारतीय लोगों का विरोध करने का। ठीक है जी, तो आप जानते हैं कि भारत में उस टाइम एक वॉइस राय थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है जी, भारत में उसी टाइम वॉइस राय हुए लॉर्ड लिनलिथगो। तो इन लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में भारतीय लोगों को, है ना, भारतीय लोगों को राजी करने के लिए, आप बोल सकते हैं कि भारतीय लोगों को मक्खन लगाने के लिए 1940 में एक प्रस्ताव जारी किया, जिस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि जो भारत है, भारत का भी एक संविधान होगा। ठीक है जी, तो इस प्रस्ताव में क्या था कि जिससे भारतीय लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो आप जानते हैं इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही थी, किसने, लॉर्ड लिनलिथगो ने, और किसमें, अगस्त प्रस्ताव में। और आप जानते हैं कि पूर्व में हम किस चीज की मांग कर चुके थे, किस चीज की घोषणा कर चुके थे, पूर्ण स्वराज की, लेकिन यहां पर क्या था, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट के बारे में आप जानते होंगे शायद, डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि डोमिनियन स्टेट एक ऐसा राष्ट्र होता है जहां नीतियां बाहर से बन के आएगी और जो यहां का शासक होगा वो स्थानीय होगा। ठीक है, ये होता है डोमिनियन स्टेट। तो इसका भारतीय लोगों ने क्या किया, विरोध किया। और इसी संदर्भ में आप जानते हैं, इस अगस्त प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है इनका ये, कि ये दरवाजे में जंग लगी हुई किल के समान है जो अब किसी काम का नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से पूरी स्टोरी, पूरी कहानी समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते, फिर टाइम आता 1942 का। ठीक है, तो 1942 में यहाँ पर एक मिशन भारत आता है, जिस मिशन का नाम है क्रिप्स मिशन। तो आप जानते हैं, इस क्रिप्स मिशन की बात करें तो इंग्लैंड के पीएम थे चर्चिल। ठीक है जी, ये जो क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 में, तो आपको पता है ये क्रिप्स मिशन में अगर हम देखें तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम चर्चिल जी थे, तो इनके सामने ये चुनौती थी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें या तो भारत में हो रही अशांति को रोकें। ठीक है जी, तो दो चुनौतियां इनके सामने थी, इनके सामने, पीएम चर्चिल के सामने, जो कहां के पीएम थे, इंग्लैंड के पीएम थे। तो ऐसी स्थिति में एक सदस्यीय क्रिप्स मिशन, जो कि स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजा जाता है। ठीक है जी, और आप जानते हैं कि ये जो क्रिप्स मिशन है ना, ये क्रिप्स मिशन था, इस क्रिप्स मिशन ने भारत में क्या कहा कि भारतीय लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग शांति बनाए रखें, जैसे ही विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होगा, उसके बाद हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, लेकिन भारतीय लोगों को इन अंग्रेजों पर विश्वास नहीं था। ठीक है जी, अंग्रेजों पर विश्वास नहीं था। अब विश्वास का कारण क्यों नहीं था इन्हें विश्वास,
आप जानते हैं कि अंग्रेजों को अगर हमारी मांग स्वीकार करनी होती तो ये पहले ही कर देते। अभी इन्होंने ये क्रिप्स मिशन क्यों भेजा जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ है ना, तो आप समझ सकते हैं कि यही कारण था इनका कि भारतीय लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में क्रिप्स मिशन का क्या किया, भारतीय लोगों ने विरोध किया। ठीक है जी, तो आपको पता है यहां भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। किसको, क्रिप्स मिशन को। लेकिन क्रिप्स मिशन का अगर हम देखें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया था, मिलके विरोध किया था। अच्छा जी, तो ये कांग्रेस ने तो विरोध किया, ठीक है, कांग्रेस का विरोध करना सही है, लेकिन ये मुस्लिम लीग थी, इस मुस्लिम लीग ने इसका विरोध क्यों किया। आप जानते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के सामने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात रखी थी, ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की का जो प्रस्ताव रखा था उसे क्रिप्स मिशन ने खारिज किया था, ठीक है, और यही कारण था कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का क्या किया, विरोध किया। ठीक है जी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कहना था कि इस क्रिप्स मिशन में कुछ भी नया नहीं है, तो इसने इसका विरोध किया। ठीक है जी, तो आप जानते हैं, अब बात आती है 1945 की, जब विश्व युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो इंग्लैंड में सरकार बनती है लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की सरकार बनी कहां पर, इंग्लैंड में। तो आप जानते हैं कि इंग्लैंड में जब लेबर पार्टी की सरकार बनी तो वहां पर पीएम बने क्लीमेन एटली। क्लीमेन एटली लेबर पार्टी की सरकार बनी और इंग्लैंड के पीएम बने क्लीमेन एटली। तो आप जानते हैं कि इंग्लैंड के अगर बारे में हम देखें तो आपको पता है इंग्लैंड कैसा है, द्विदलिया व्यवस्था वाला राष्ट्र है, द्विदलीय व्यवस्था वाला राष्ट्र है, ठीक है, जहां दो दलों में चुनाव होते हैं, अगर फर्स्ट देखे तो लेबर पार्टी और दूसरा देखे तो कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। तो अब पीएम एटली जो थे, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी या तो ये अपने उपनिवेशों को संभाले, और इसी संदर्भ में ये भारत पर नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि भारत की जो व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी थी, ठीक है, जो भारतीय जनता थी वो क्या जागरूक हो चुकी थी, जागरूकता आ गई थी भारतीय जनता में। तो क्लीमेन एटली ने क्या किया, अपने मंत्रिमंडल से 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना को जो है भारत भेजा, और जिसे हम अपने इतिहास में कैबिनेट मिशन योजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। तो यहीं से हमारे संविधान का निर्माण स्टार्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये वीडियो समझ आ चुका होगा। तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें पूरी चर्चा परिचर्चा होगी संविधान के निर्माण पर, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। और अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस वीडियो पे जरूर दें, यही आपके और मेरे बीच का तालमेल रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।